जेम्स कैमरून, इनका तो नाम आपने सुना होगा, वही जिन्होंने टर्मिनेटर, टाइटैनिक जैसी मास्टरपीस मूवीज बनाई। 2009 में इनकी फिल्म आई थी अवतार, जिसने उस समय बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। ठीक 13 साल बाद इस फिल्म का सीक्वल यानी कि द अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज हो चुकी है। मैंने आज सुबह ही 6:30 का मॉर्निंग शो मैंने देखा, 80% तक लोग आए थे। तो अगर फिल्म की बात करूँ, फिल्म इज आउटस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छी मूवी है। सबसे पहले मैं जेम्स कैमरून जी से एक सवाल पूछूंगा कि आप कैसे सोचते हो जो क्रिएटिविटी, जो विजुअलाइजेशन है, वो इतना बढ़िया तरीके से हुआ इस फिल्म में। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। उनकी क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन के लिए 100 out of 100 मार्क्स है। खास करके जो अंडरवाटर सीन्स जो बताए, जिस तरह से शूट किए VFX, इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड आउटस्टैंडिंग। अवतार यानी कि फर्स्ट मूवी की जो स्टोरी है, उसी फिर स्टोरी को इस फिल्म में आगे कंटिन्यू किया है। फर्स्ट पार्ट में जेम्स कैमरून ने जंगल की सवारी करवाई थी, सेकेंड पार्ट में यानी कि सिक्वल में इन्होंने के पानी के नीचे की यानी कि अंडर वाटर की सवारी आपको करवाई है, जो देखने में काफी दिलचस्प लगती है और बहुत ही अच्छी जर्नी आपको बताई है उन्होंने। इसके लिए जेम्स कैमरून को मेरी ओर से थैंक यू। फिल्म के विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी और VFX एकदम आउटस्टैंडिंग है, इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे जेम्स कैमरून जी को। दोस्तों अगर स्टोरी की बात करूं, फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी वीक है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा एवरेज है, आपको ठंडा लग सकता है। सेकंड हाफ में तो पूरा का पूरा एक्शन है, टोटल धमाल है, आपका पैसा वसूल हो जाएगा। जिनको एडवेंचरस मूवीज पसंद है, उनको तो ये फिल्म काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। मेरे सामने से तो अभी भी वो पिक्चराइजेशन अभी तक जा नहीं रहा है कि जो अंडर वाटर सीन्स उन्होंने दिखाया है, इट इज आउटस्टैंडिंग एंड माइंड ब्लोइंग है। स्टोरी पे और अच्छे तरीके से काम हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार भी इस फिल्म को जरूर देख सकते हो। दोस्तों इस फिल्म की लंबाई यानी कि ड्यूरेशन 3 घंटे के ऊपर है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए। बीच में थोड़ा बहुत आप बोर हो सकते हो, कुछ सीन्स को काटा जा सकता था, फिल्म की लंबाई थोड़ी कम हो सकती थी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार तो आप इस जर्नी को एंजॉय जरूर करना। बच्चों को तो ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, उसके साथ साथ बड़ों को भी मूवी ज्यादा पसंद आएगी। जो कैरेक्टर्स फिल्म में दिखाए गए, जो VFX के जरिए जिन्होंने काम किया है, सबका काम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जेम्स कैमरून जी के करियर में और एक मास्टरपीस ऐड हो चुकी है। जो डायरेक्शन जेम्स कैमरून जी ने किया है, उसके लिए फुल मार्क्स है, वहां पर कोई सवाल ही नहीं उठता। ये मूवी आज ही रिलीज हुई है, बहुत सारे जगह पर ये फिल्म हाउसफुल जा रही है। फर्स्ट डे में तो 50 करोड़ प्लस क्रॉस हो ही जाने चाहिए, जिस तरह से इसको शोज मिले। संडे तक मेरे ख्याल से 100 करोड़ पार होने चाहिए। अब सवाल यह है कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कितनी कमाई कर पाती है। दोस्तों मेरी ओर से अवतार द वे ऑफ वाटर को 5 out of 4 स्टार्स, बहुत ही अच्छा मूवी है, आप जरूर इसको एक बार तो एंजॉय करोगे। इस मूवी को आप एक बार जरूर एंजॉय करना। अगर आप लोगों ने अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी देखी है, आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।